Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं आज जंतर मंतर पे कुलविंदर कौर जी आई हुई है और यहाँ पे इनकी कुछ समस्या है। जैसे कि पंजाब में जो जज है वो इनको परेशान करे जा रहे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं ऐसा क्या हुआ जो वहाँ के जज है इनको परेशान करते और इनको फ़ोन कॉल करके धमकी भी देते। मैडम क्या नाम है आपका? कुलविंदर कौर जी। कुलविंदर कौर जी, जैसे पता चला कि जो पंजाब के जज लोग हैं वे आपको परेशान करते हैं, कैसे टॉर्चर कर रहे हैं आप? वो मैं पहले मतलब कि मेरा नाम कुलविंदर कौर है, श्री मुक्तसर साहब के रहने वाली हाँ। मेरे हसबैंड का एक्सीडेंट में मौत हो गई सी, उहदा केस चलता सी श्री मुक्तसर साहब की अदालत में। उहदे संबंध में मैं मिली सी जज गुरनैल सिंह आही नूं, ठीक है। उन्होंने मैंने पूछा तुसीं की करदे हो, मैं कहा मैं सिलाई का काम करदी हाँ। उन्होंने मैनू कुछ समय बाद फिर दोबारे बुला लिया, जदों बुला लिया तो कहिंदे चलो मैं तुहानूं आओ किसी नाल मिलवाना वा। तो उन्होंने जो मैनू लै गए तो उत्थे चार पाँच जने बंदे बैठे थे, उत्थे होंदे साहब किशोर कुमार साहब और मैडम अर्चना कंबोज, विशेष राज जी जज साहब, जज साहब सीगे किशोर कुमार और विशेष कुमार, मैडम अर्चना कंबोज, उन्होंने स्टैंड कृपा राम और जज गुरनैल सिंह आई हुई उत्थे सी। उन्होंने मैंने पूछा ये अपनी बेटी है कुलविंदर कौर तो मतलब कि सिलाई का काम करती है, इनू आप को काम भी वे जो काम कर हो दस दौ कर देगी। फिर उन्होंने मैनू थोड़े दिन दो चार दिन बाद फोन किया, जो मैंने बुलाया कहते कुलविंदर भी इस तरह साडा समान लिया कर फट के, तो चल तेन 2000-2000 रुपये दे देंगे। मैं चलो ठीक है, मैं तो विधवा, मेरे दो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो भी उन्होंने चल पढ़ाई च भी हेल्प हो जूगी, मैं तो कोई काम करना ही अस कर जो मेरे को काम ही है नहीं। आपको पहले उन्होंने नौकरी पर रखा है किस्म से आप? नहीं तुम ला लो साहब की कह सकते हो, मैं तो नहीं कह सकती नौकरी, मैं तो ये सो कह सकती हूँ उन्होंने मैं इस्तेमाल किया समझो, ज मेरा विधवा होने का फायदा उठाया, क्योंकि जो उन्होंने मैनू जो मैनू कहते मेरे साडा थोड़ा मोटा समान लिया घर फट, मैनू ये नहीं पता भी समान है की, पर आप एक ऑफिसर का समान चेक थोड़ी कर सकते हैं। जो मेरे तो मंगवाते जो भी जिम्मे मैडम अर्चना कंबोज कर दी फोन, जे 7-8 महीने तक चलता रहा, जब मेरे को मैडम अर्चना कंबोज ने दोबारे फोन किया तो बुलाया कोटकपुरा रोड तो समान लेके आओ, और दो बंदे उतर दिया गड्डी तो मैंने थैला फड़ा के चले आते, मेरा नाम पूछते हैं तो जो मैं वापसी से जो वापस आनी थैले दियाँ तनिया टुट दी, और सब्जी डिगदी है भी जिम्मे आलू गोभी गाजरा ला लो, जो निकले पैसे निकल लग जाते बहुत ज्यादा, यानी सब्जियों के बीच में पैसे निकल जब आपको पता चला चलता, फिर मैं डर जानी हां, फिर डर के मैं दोबारा सोचती हूं किसी को दसा भी ये बहुत बड़ा काम है, मेरे तो हो सकता कोई गलत काम ना करवा रहा भी ये गलत हो रहा है। फिर मैं पवन जी मिली दोबारा भी जदों मैं इन्होंने दसिया, इन्होंने कहा मैं नहीं यकीन, मैं इन्होंने फिर अपने फोन से गल करके दसी, फिर ये कहते ठीक है, उस तो बाद इन्होंने पूछ लो तुम की होया सारा इन्होंने को। जैसे आपको पता चला जैसे जो पैकेट वे मंगाते थे सब्जी के जो भी उनमें पैसे निकले, उसके बाद आपने कोई कंप्लेंट डाली कहीं? हाँ जी, मैं डाली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी थे, पर मेरे को आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जंतर मंतर पाए आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? हम राष्ट्रपति से भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी कर रहे हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं भी साड़ी एक बेनती है। यहाँ पे किसको ज्ञापन दिया आप लोगों ने, ये एप्लीकेशन किसको दी? प्रधानमंत्री को, तो सुप्रीम कोर्ट भी दी है। जो वे जज लोग हैं, जैसे मैं देख रहा था आपके इसमें आपने लिख रखा भी फोन करके आपको परेशान भी करते हैं, वो कह रहे हैं आप अपने एविडेंस मेरे साढ़े को दे दो, जज गुरनैल सिंह आई कह रहे हो मैं ताड़ा मतलब के इंसाफ दवा दूंगा, जेडे बंदे तो खुद असी ना लै रहे हो बंदा सानू इंसाफ की दवा देगा? आपका केस था आपके पति का एक्सीडेंट वाला, वो तो समाधान हुआ नहीं ऊपर से? नहीं नहीं, वो तो मेरे को क्लेम मिल गया था। मिल गया, हाँ वो मिल गया। तो अभी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी ये भ्रष्टाचार की है। अच्छा, मेरी अकेली की नहीं है, समाज की है। समाज के लिए तो कहने होंगे ना, हम भी कोई ना कोई तो आएगा ही सामने, एक आवाज उठाई, आवाज उठाई, जो कि नंबर दो का काम करते जो इधर उधर से जो पैसा आता है। उसी हिसाब से वे लोग फैसला सुनाते हैं। बिल्कुल ये सही है भी, ये जिमें केस होंगे आ भी मतलब कि गुनहगार बाहर कर देंगे, बेगुनहगार अंदर कर देंगे, किमें कर देंगे, 10-10, 20-20 साल की सज़ा क्यों सुनाते हैं?
ठीक है, पैसे दे दम ते आम बंदे दी चप्पलां उत्थे आ के कस जांदियां, उन्हां दी तां कबूल नहीं हुंदी। आम बंदे दी कार डिटेल ला लो, साडी कार डिटेल नहीं मिली अज तक मेरे खुद के नंबर की, पवन जी के आई डी पर वो नंबर था। अच्छा, आम बंदे ते कोई हो जाए ना ते मिंट पुलिस लांदी है, नंबर कढ़न लगी उह बंदे नूं अंदर करन लगी और थप्पड़ भी मार दी, उहदे ते एलीगेशन भी ला दिंदी और उहनूं सज़ा भी दे दिंदी है। इत्थे इहनां ते इक जज ने, इस लई जनता डर रही है और प्रशासन डर रहा है भी जज है भी असीं इहनां ते कोई कार्रवाई नहीं करदे। अभी आपको क्या खतरा महसूस हो रहा है? हमें खतरा हो रहा है, एक जज है, जजां दी इहनां दी पहुंच है, पावर है, कानून भी उनका है, यहाँ से कानून शुरू होता है वहाँ से खत्म होता है। यानी कि उन लोगों से आप लोगों को बहुत डर लगता है क्योंकि मैं, मेरे दो बच्चे हैं, मैं एक विधवा, मेरे को मकान नहीं है, मैं बस मेरी यही आ भी मैं आवाज तां चक्की है भ्रिष्टाचार को मतलब के कवर करने के लिए भी बहुत हो रहा है, गरीब बंदे के साथ बहुत हो रहा है और मेरे को खुद पता 2010 की मैं धक्के खा रही हूँ अदालतों में, यही चलता है। हाँ, बंदे की कोई सुनवाई नहीं, वहाँ के वकील भी जुड़े हैं, ये नहीं कहती जज जुड़े हैं, वकील भी जुड़े हैं। जो ये भ्रष्टाचार की आप लड़ाई लड़े कितने दिन से लड़े? मेरे को 1.5 साल हो गया, 2017 की लगी हूँ मैं 8वीं महीने की, आज तक यही लपेट लू 1.5 साल हो गया। जी सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, आप कोई संस्था चलाते हैं, क्या नाम है आपकी संस्था? मेरी संस्था का नाम है दलित फाउंडेशन, उसमें प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये केस मेरे पास आया था, कुलविंदर जी ने बोला मेरे को भी मेरे से जज ये काम करवाते हैं। जब मैं इनको बोला भी मेरे को क्या मालूम भी आप जज से बात होती है, मेरे को बोलिए कोई बात नहीं मैं बात करवाती हूँ। इनने जज सेशन श्री किशोर कुमार है जो, उनको फ़ोन लगाया, उनसे बात की, वो बोलते हैं बेटा घर आ जाना, मेरे को विश्वास हो गया भी बात होती है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं कुलविंदर जी, 2-4 दिन बाद में आना। ये 2-4 दिन बाद में मेरे पास आए तो मैं इनको आपकी आई डी पे एक नंबर ले दिया, मोबाइल नंबर, जिस पे हर एक जज की बात होती थी, चारों जजों की, और जो इनका कृपाराम स्टैंड हुआ उसकी भी बात होती थी। एक दिन बोले मैडम ये बोलते हैं कुलविंदर जी, जज साहब किशोर कुमार बोलते हैं, जो कोई केस हो लेने देने में कर देंगे, थोड़े पैसे ले लेंगे, कोई ज़मीन का हो, कोई भी हो, 376-302 कोई भी केस हो। मैंने बोला एक केस था मेरे पास किसी गांव का, ज़मीन का केस था, वो केस बोला इनको मैं ले गया, कागज़ पत्र दिए, बोले 6.5 लाख रुपए लगेंगे और 4 महीने में हल कर देंगे, आपके हक में कर देंगे। वो हमने 6.5 लाख रुपया इनको दिया, किशोर कुमार जी ने ले लिया। यानी कि आपने अजमाने के लिए वो पैसा जी, हमने स्टिंग ऑपरेशन मैंने तो करना था, मैं जो लोगों की आवाज़ आए जो उठाना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार बड़ा फैला हर एक दफ्तर में, आपको भी जानते हो। उसके बाद जो मैडम अर्चना कंबोज है वो बोलती है इनको भी आपके स्टैनो को, कृपाराम को भी, कुलविंदर को बुलाओ, उनको बुलाते हैं कुलविंदर को, वो स्टैनो बोलता है, मैडम बोलती है जहाँ सेवादार की पोस्टें निकली हैं, पीएन की पोस्टें लगी हैं कोर्ट में, तो कोई आदमी रखना हो, कोई लड़का हो तो हमारे कोटे में 2 आदमी आते हैं। मैं कहूँ चलो कोई बात नहीं बात करते हैं, मैं 2 आदमी के फार्म दे दिए और 10 लाख रुपये था, एक लड़के का 5 लाख रुपया था, 10 लाख रुपया इनको दे दिया। मैं भी साथ में गया, मैं बाहर कोर्ट के में खड़ा हूँ, ये पैसे देखे हैं मैडम अर्चना कंबोज को, अर्चना कंबोज ने इनको बोल दिया कृपाराम को बोल दो, मैडम अर्चना कंबोज के सामने कृपाराम को 10 लाख रुपया दे दिया, पर अभी तक ना तो कोई सेवादारी रखा, ना ही इनको पैसे वापस दिए गए, कोई भी नहीं हुआ। यानी कि आपने एक पर्दाफाश करने की कोशिश की, उसका स्टिंग ऑपरेशन भी कुछ किया जी, आपने कुछ वीडियो भी उसकी बनाई? हाँ जी, हाँ जी, वीडियो भी। तो उसके बाद आपने आगे कुछ कार्रवाई की उसके संस्था के द्वारा? संस्था के द्वारा जब ये बात हुई तो 2017 में 31 दिसंबर 2017 में DSP विजिलेंस को हमने दरख्वास्त दी भी कृपाराम के थ्रू मैडम ने इतने पैसे लिए। DSP विजिलेंस मनजीत सिंह जा, वो कृपाराम को उठा कर ले आया और जज साहब भी वहाँ पर आए होंगे मेरे को पता, जितना को पता लगा, वो उसने टाइम ले लिया, 2-4 दिन में पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं, उसको साइलेंट करो। 4-5 दिन में बाद कृपाराम को उठाएगा, कृपाराम ने माना, मैंने तो 6.5 लाख रुपया ला, बाकी मैडम ने लिए, ठीक है। और 11 जनवरी 2018 तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। DSP विजिलेंस सुबह 10 बजे बुलाते थे और 5 बजे तक जाता इसको कचहरी कोर्ट में ले जा लेके जाते थे कृपाराम के पास, जहाँ आपके ऑफिस, जहाँ आपकी कोठी में, वहाँ पर बैठा देते, 6 बजे या 5 बजे इनको छोड़ दिया जाता। 11 जनवरी को उसने बोल दिया भी मेरे को प्रेशर पड़ गया वहाँ से, ऊपर से DGP का, जहाँ साहब कह रहे हैं अभी तू क्या करेगा, नौकरी करनी है कि नहीं करनी, भाई मेरे बस से बाहर है, आप ऐसे करो आप एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट दे दो तो मैं आपका इंसाफ दिला दूंगा वहाँ से। सर, यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पाए किस मकसद से आए? देखो, हम सभी
26 फरवरी 2018 को एक कंप्लेंट डाली है मानजोग हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, गृह मंत्रालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भी हमें इंसाफ दिया जाए, जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसके ऊपर पूरी नकेल कसी जाए, पर हमें कोई नहीं मिला। पर अच्छा सर, जैसे आपने वीडियो की बात की, आपके पास कोई क्लिप थी जो पैसों का लेन देन हुआ? नहीं, वो नहीं है हमारे पास, उससे जो कृपा राम है उसकी वीडियो हमारे पास है, वो जाता है उसके पूछते हैं वो बोलता है मैं आपके साहब को बुलाता हूँ, ना तो साहब को बोलता है अभी तक, जो साहब को बोलता हमारे पे FIR करवा देते हो, उनके तो, पावर भी उनके पास जी। तो आपको भी कोई धमकी मिल रही, जैसे मैडम देखो धमकी मिल रही? इसी 9/5 को मेरे को जज करनैल सिंह आही का फोन आया और 3 बार आया, वो बोलते हैं पवन जी ऐसे करो, वो क्या बात है, वो जजों की क्या बात है, मैं कहा आपको पता ही है, कहा मेरे को क्या पता, मैं कहा सर आपने वीडियो सुनी होगी, देखी होगी, कहना भाई देखी है, मैं कहा फिर आपको पता ही है सारी बात, उनको पता भी है, मेरे को बोलते हैं ऐसे करो वो लड़की को बुला लो तो मेरे को एविडेंस दो, पेपर वर्क है, जो वीडियो है, ऑडियो कोई मेरे को दो, आपको इंसाफ दिलाऊंगा। देखो एक जज पे एलिगेशन लगे हैं भी मेरे को मिलाया, वो मेरे को बोलता है इंसाफ दिलाएगा, हमें को क्या इंसाफ दिलाएगा, कोई मैं तो बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से कोई सेट बैठती है उस पर आपका बयान दे, आपका पखर के हम भी करेंगे। और ये मैं आज जंतर मंतर में इसीलिए आया हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है मानजोग हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति जी भी, एक मेरा नंबर है मेरी आईडी पे है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, उसकी लोकेशन निकाली जाए, पता लग जाएगा भ्रष्टाचार का पर्दाफाशेगा, ये जज क्यों बात करते थे, मेरी आईडी पे है। देखो जो उनको डर ही नहीं है तो मेरी आईडी की कॉल लोकेशन कराएं, कॉल डिटेल की आईडी से नंबर लेके हाँ उस पर बात होती थी, उस पर हर एक जज की जो लोकेशन लगाया हर एक जज की, और कृपा स्टोन पे आपके पास है ऐसा कुछ? वो मेरे को पास है, जो भी सेट बैठेगी हम दिखाएंगे, हम जाते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होनी चाहिए। दिल्ली में आए तो किसको ज्ञापन दिया? अभी कल हमने दिया था प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, गृह मंत्रालय को, आज राष्ट्रपति जी को देना है। सर अगर नहीं सुनवाई होती तो आगे लड़ाई चलती, ये लड़ाई चलती रहेगी, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलते रहेंगे। और ये मैं लास्ट में ये कहता हूँ, मेरे को इस केस की CBI जांच होनी चाहिए, मानजोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बोलता हूँ CBI जांच इसकी केस की कराएं, सभी पर्दे पास हो जाएंगे। और जज करनैल सिंह जो भी है, सारे जज हमको फ़ोन पे धमकियाँ देती हैं, नजायज़ तो आपके पर्चा डाल देंगे, पोस्ट डाल देंगे, चिट्ठा डाल देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे, हमको दोनों परिवारों को फुल खतरा है। मैं तो यही बोलता हूँ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से CBI जाँच करे, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, जो हम सारा कुछ बोल देंगे, और ये नहीं है और बहुत कुछ भी वहाँ से निकलेगा। यानी कि आप लोगों के पास बहुत सारे बहुत सबूत हैं, देंगे हम सबूत देंगे। आप क्या चाहेंगे कार्रवाई पे, किसकी जांच चाह रहे हैं आप? हम तो यही CBI जांच, CBI जांच होए, अगर सानू सिक्योरिटी मिलती है तो असं होर भी खुलासे करांगे कोर्ट दे बंदे। और इनको आज ही डिसमिस किया जाए, इसको जो भी इन्हें बत्ते सारे कैंसिल किए, आज डिसमिस किया जाए, यही रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से सभी से। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की पंजाब से आए हुए, इन्होंने कुछ जजों के बारे में बताया और कह रहे कि हमारे पास उनके खिलाफ सब सबूत है, तो अभी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री को, इस पे कुछ सुनवाई हो पाएगी कि नहीं। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।